एपिसोड के शुरुआत में दिखाते हैं कि इंसानों की होली लैंड के ऊपर जितने भी डिमोल्स रहते हैं उन्होंने तबाही मचा के रखी होती है इंसानों को बहरी में से मार रहे होते हैं हर जगह तबाही मच रही होती है और यहाँ पे डिमोलोड को भी दिखाया जाता है जो कि इनके लाशों के बीचों लाश से गुजर रहा होता है तभी उसे एक और तो एक बच्चे की लाश देखते है वो कहता है क्या यह युद्ध है मैं जानता था कि युद्ध हमेशा क्रूर होता है पर मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना डरावना होगा यह सब देखने के बाद जो डिमोलॉड है उसकी हालत खराब होने लगती है वो वह पे हाथ रख लेता है ये देख के जो नॉर्फन रहता है वो पूछता है मेजेस्टिक क्या बात है डिमोलोड कहता है कुछ नहीं लाशों को देखने के बाद मैं बस थोड़ा सा ऊब गया हूँ कैसेट्रा कहती है, है? मेजेस्टी आपने अपने दम पर तीन हज़ार युद्धबंदियों को मार डाला फिर उनके अंगों को काट कर उन्हें पक्षों को खिलाने के लिए महल के दरवाजे के सामने लटका दिया आपको यह सब देख कर अच्छा लगना चाहिए यदि कुछ भी हो ये सुन के डिमोलोड का फिर शौक हो जाता है डिमोलोड को ऐसा देख के कैसेट्रा से कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा मास्टर इसके बाद दिखाते हैं कि इनके सामने से एक इंसान गुजरता है जो मदद जो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है फिर दिखाते हैं उसके पीछे एक बड़ी सी डीम चिड़िया पड़ी हुई रहती है और वो रोते हुए भाग रिया होता है और फिर कहा फिर दिखाते हैं दो डिमनों को जो ये दे, देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और उसे चिड़िया से बोल रहे हैं एक डिमन चिड़िया से बोल रहे होता है कि उसे पकड़ो और एक दूसरा डिमन बोल रहा होता है कि उसे अलग करो ये देखिए जो दे इनके पीछे इंसान खड़े रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर दिखाया जाता है उस इंसान को वो डीमन चिड़िया पकड़ लेते है और अपने साथ हवा में उड़ा के ले जाने लगती है ये देखिए वो दोनों डीमन खुश हो जाते हैं और वो चिड़िया उसको उड़ा के हवा हवा में ले जाती है एक टावर के पास सा टावर रहता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दो तीन लाश पहले से लटकी हुई रहती है आर पार कर दी जाती है फिर चिड़िया उसको टावर के ऊपर ले जाती है और उससे ऊपर से छोड़ देती है जिसका नतीजा ये होता है कि वो जाता है टावर के ऊपर और आर पार हो जाता है जो टावर के ऊपर नुकीला भाला सा निकला रहता है उसकी वजह से और वो मर जाता है ये देख के एक डीमन खुश होता है और बोलता है कि मैं जीत गया और दूसरा डीमन उसे कुछ पैसे देने लगता है इसे देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में शर्त लगी थी फिर उसको दिखाते हैं पिक डिमन एक इंसान से बोल रहे होते अब तुम्हारी बारी है ये सुनी का तो लड़के और वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं पिक डिमन आके कहता है अरे क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी जल्दी करो और भागो घटिया इंसान अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको काटने जा रहा हूँ फिर दिखाते हैं कि डीमन पिक के ऊपर कोई चिल्लाते तो हुए बोल रहा होता है कि दोस्त तो साहस आपकी हिम्मत कैसे हुई मेजिस्टिक के नाक पर इस तरह इशारा करने की फिर पिक डिमन देखता है कि मेजिस्ट्री उसके सामने खड़े रहते हैं और उसकी जो उंगली रहती है वो मेजिस्टिक के सामने रहती है देख के वो दोनों डीमन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डिमन लॉर्ड के सामने दोनों दोनों झुक जाते हैं और उनमें से भी डिमांड कहता है कि मैं मरने के लायक हूँ मुझे उन सभी को तुरंत मार देना चाहिए था मैं और अधिक समय इधर उधर करने में बर्बाद नहीं करूँगा फिर डिमन लॉर्ड एक टावर की तरफ देखने लगता है जिस टावर के ऊपर इन लोगों ने लोगों की लाशों को लटकाया हुआ रहा था पंछियों से फिका फिखा के और यह सब देख के वो कहता है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया ये सुन ये के दोनों डिमांड कहते हैं क्या रियली मास्टर फिर यहाँ पर जो डिमन रोड रहता है वो निर्भम हाथ से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई पैसे है निर्वाण बोलता है बेशक मास्टर फिर जो डिमन रोड के वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दो मैं इनके साथ शर्त लगाऊंगा फिर जो डिमन रोड रहता है वो हाथ से शर्त करते हैं दोनों डिमन से कहता है कि उसमें लगा पकड़ो और मार डालो तीन मिनट के अंदर ये सुनने के बाद उनमें से एक डिमांड कहता है लेकिन हम महिला को पकड़ने में इतना समय क्यों लेंगे और दूसरा डिमांड कहता है शायद मेजिस्ट हमें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे अपना डिमांड और कहता है मुझे लगता है आप दोनों ने शहर को घेरने के लिए कड़ी मेहनत की है और अगर तुम लोग उस महिला को टावर की उस नकीली चोटी पर लटकाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम दोनों को इनाम दूंगा ये सुनने के बाद दोनों डेमन खुश हो जाते हैं और मैजेस्टी को धन्यवाद देते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं और यहाँ पे महिला बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है और वो लोगों को बोलती है तुम जानवर और तभी दिखाते हैं और यहाँ पे कुछ सोचने लगता है फिर वो कैसे ट्रक को आवाज दे बुलाता है अपने पास ये दिखाते हैं कि जो डिमल रोड रहते हैं वो कैसे ट्रा को कुछ जाली पास बुला लेता है अपने इसकी वजह से जो कैसे ट्र रहती है वो ब्लश करने लगती है और यहाँ पे डिमल रोड कैसे ट्रक से कहता है क्या आप मुझे जीतने में मदद कर सकते हो इसके बाद निरुमान को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि मैं इसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया इसके बाद कैसे को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और डिमल रोड यहाँ पे मुड़ के कहता है ठीक है भागना स्टार्ट करो ये सुनने के बाद जो बच्चा रहता है वो कहता है नहीं मेरी माँ को छोड़ मत पहुँचाओ तभी डिमोलोड को दिखाता है जो कि उसे देखता है और फिर एक एंग्री वाला लोग देते हुए कहता है अगर तुमने भगना स्टार्ट नहीं करा तो मैं तुम्हें तो बच्चे को अभी यहीं मार दूंगा फिर दिखाते हैं जो महिला रहती है वो अपने बच्चों को छोड़कर भागना स्टार्ट कर देती है फिर दिखाया जाता है कैसे ट्रक है जो कोई कुछ अपने पावर का यूज़ कर रही होती है उस महिला के ऊपर जो भाग रही है और फिर डिमंड लॉर्ड रहता है वो दोनों डिमंड से कहता है कि तुम्हारा टाइम अब स्टार्ट होता है और फिर ये दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक पिक वाला डिमंड भागते हुए कहता है कि तुम भग तुम कहाँ जाने की सोच रही हो उस महिला से कहता है फिर दिखाते हैं दोनों टीम उसमें लगा काफी ज्यादा करीब हो जाते हैं उसे पकड़ने के तब यहाँ पे कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि उसका कोई चांस नहीं है वो लोग बस उसे मरने के लिए कह रहे हैं फिर तो दिखाया जाता है बच्चे यहाँ पे रोते हुए कह रहा होता तो है अपनी माँ से कि अपना बेस्ट देना और फिर यहाँ पे हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जो कि कुछ मैजिक मैजिक यूज कर रही होती है फिर इसको दिखाते हैं फिर उसको दिखाते हैं पिक डिमन उस औरत को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उसके पेड़ भोजते चलने लगते हैं और यहाँ पे क्रिस्टा का मेचुअ थोड़ा बहुत काम करने लगता है और फिर दिखाते हैं वो एक अच्छे से मतलब कि जम मारते हुए उनके हाथों से निकल के दूर चली जाती है ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा है, हैरान हो जाते हैं फिर दिखाया जाता है वो जो महिला रहते हैं वो भक्त बहुत दूर चली जाती है और दोनों डिमन देख के बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है फिर डिमन लोड को दिखा दें जो कि कैसे ट्रा कि बेहतर होगा कि आप अपनी रफ्तार बढ़ा लें दिखाया जाता है कि दिखाया जाता है वो मेला भग रही होती है तभी और उसका बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ देखो तभी दिखा दिखाते हैं बड़ी सी चिड़िया महिला के ऊपर हमला करती है बट जो अपनी महिलाएं रहती है वो उस बचते हुए हवा में एक उल्टी छलांग हवा में एक छलांग मारते हुए चिड़िया के ऊपर से जंप करते हुए पीछे की तरफ पकना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर दो डिमंडस रहते हैं उसे देखे सोच रहे होते हैं कि ये अच्छा है कि हमारे पास से हम इसे आसानी से पकड़ लेंगे तभी दिखा देंगे वो मेला उन के बीच में ऐसा निकलते हुए चली आती है फिर दिखाते हैं एक बड़ी चिड़िया को जो उसका पीछा कर रही होती है वो इन दोनों को ठोक देती है और ये दोनों हवा में और होते हैं और चिड़िया भी हवा में होती है

यहाँ पे दिखाते हैं डिमोलोड बोल रहा होता तो है उन लोगों से कि तुम दोनों एक महिला को पकड़ भी नहीं सकते तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी फिर मे से एक डिमंड कहता है ऐसा नहीं है मेजेस्टी फिर दूसरा डिमंड कहता है इस महिला में कुछ तो गड़बड़े डेमोलोड कहता है कि अपनी सजा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ ये सुनने का जो दोनों डिमंड रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा घबराए आते हैं डेमो लोड कहता है कि आप दोनों ने घेराबंदी मैं मदद की इसलिए मैं आपको इतनी कठोर सजा नहीं दूंगा फिर भी इन बंदियों को आपकी उपलब्धि नहीं माना जा सकता उन्हें एक बार में छोड़ दो आप लोग समझिए जो मैंने कहा तभी उन दोनों डिमन बोलते हैं हाँ और आगे बोलते हैं हमारे जीवन को बख्शने के लिए धन्यवाद मैजेस्टी इसके बाद दिखाया जाता है कि बच्चा खुश होकर अपने माँ से माँ के पास जा रहा होता है और यह देख के डिमन लोड खुश हो रहे होते हैं और तभी दिखाते हैं कि आसमान से एक फायर आ रही होती है जो कि उस महिला के ऊपर जाके लगती है यह देख के डिमन लोड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बच्चा रोने लगता है और बच्चा अपनी माँ और उसकी माँ चलने लगती है बच्चा अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है बट डिमन लोड केस्ट्रा से कहते हैं कि उसे रोक ऑर्केस्ट्रा उसको एक हाथ मारती है इसकी वजह से वो वहीं जाता है थोड़ा दूरी पर यहाँ पे दिखाया जाता है उस उसमें की राज को लाश को जो कि पूरी जल चुकी रहती है हड्डी हड्डी बचती है और फिर यहाँ पे डिमन रोड कहते हैं कि वो कौन था जिसने आग शुरू करी यहाँ पे आग लगा दी और कैसेट्रा उसको बता कैसेट्रा कहती है मेजिस्टी वहाँ वहाँ देखिए तभी यहाँ पे दो पेड़ नजर आते हैं उनको बहुत बड़े बड़े और वो आवाज़ आती है क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं दिखाते हैं जो डिमन रोड है वो अपना स्वरूचा करके ऊपर की तरफ देखने लगता है फिर यहाँ पे अपन को एक बंदे का एक बंदे को दिखाया जाता है और इस बंदे का नाम मैं बता देता हूँ इस बंदे का नाम है यू केन और ये एट रेजिमेंट डीमन कैप्टन है ये अपने लॉर्ड से कहता है मैं एक महत्वपूर्ण बंदी का पीछा कर रहा हूँ क्या आपने उससे कहीं देखा है लॉर्ड यूकेन को देख के कहता है कि यूके बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है क्या ये मेरे डिमांड कैप्टन में से एक है को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में यूकेन से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड के सामने उनसे भी ज्यादा ऊंचे स्थान पर खड़े होने की अपने को दिखाया जाता है जो कहता है कि कैसे ट्रस से कह रही है तुम बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो यहाँ झटपट नीचे उतरो इसको दिखा दे कि की यूकिन लोग क्योंकि बात सुन के नीचे आ जाता है और जो डिमलोड रहता है उसके सामने झुक जाता है और कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई मेजेस्टी फिर डिमन लोड यहाँ पे मुड़ के उस बच्चे की तरफ और उसकी माँ की लाश की तरफ देखता है फिर यूकैन की तरफ मुड़ता मुड़ता है और गुस्से में कहता है यूकेन आपको ऐसा करने का साहस किसने दिया और मेरे खिलौने के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूकेन कहता है कि मेरी ऐसी कोई हिम्मत नहीं हुई थी बस जब मैं एक महदूब बंदी का पीछा कर रहा था मैं आपसे टकरा गया था और मेरी फायर बॉल अभी अभी अप हुई है दिखाते हैं यूकन अपने हाथों तो से चुटकी बजाता जाता है जिससे पीछे लोग रहते हैं उनमें आग लगना शुरू हो जाती है और कहता है इसलिए मैं खुद के फायर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका फिर दिखाते उन लोगों में आग लग चुके रहते हुए वो लोग जल रहे होते हैं और, और ये देखे जो डिमोल लोड रहते हैं वो काफी ज्यादा है हैरान रहते हैं और जो कैसे रहते हैं वो ताले बचाने लगते हैं और कहते हैं वाह क्या एक नेट फायर बॉल और ये देखे जो डिमोल लोडे ना कैसे के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं जिससे कैसे ट्रक परेशान हो जाते हैं फिर यहाँ पे यूकेन को दिखाते हैं जो कहता है आप थोड़े नाखुश लग रहे हैं मेजस्टी क्या बात है क्या आप उन इंसानों के साथ सहनाभूत रखते हैं डेमन लॉर्ड थोड़ा परेशान होते हुए कहता है बेशक नहीं और फिर जो यू कैन रहता है वो कहता है ये हुई ना बात और ऐसा कहते हुए अपने हाथ से एक मिनी फायर बॉल आसाम में छोड़ता है जो कि उस बच्चे की तरफ जारी होती है जो कि बेहोश रहता है डेमन लॉर्ड ये देख लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि उस फायर बॉल के सामने किसी का हाथ आयाता है और ये अपने डेमन लॉर्ड का याद रहता है फिर दिखाते जो कैसे ट्र रहते हैं वो देखे परेशान हो जाते हैं फिर डेमन लॉर्ड के हाथ में आग लग जाती है और डेमन लॉर्ड दर्द से चला रहा होता है तभी दिखाते हैं उसका कोई हाथ पकड़ता है और आग बुझा देता है अपनी कैसे ट्री रहती है और डेमन लॉर्ड से कहती है मेजेस्टी दर्द हो रहा है क्या मेजेस्टी इतने छोटे से आग के गोले से आप कैसे हर्ट हो गए फिर ये सुनने का जो यूकेन रहता है वो कुछ वो सोचता है पिछले एपिसोड का सीन जब दो इंसान जब एक इंसान ने डिमोन रोड के ऊपर हमला था और फिर वो बोलता है मेजेस्टी क्या आपके हाथ में चोट लगी है सुनकर कैसे ट्रा थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है बकवास इस मामूली से आग से तो मैं भी हट नहीं हो सकती यूकेन कहता है हाँ ये सच है और फिर आगे कहता है मेजेस्टी यहाँ के सबसे ताकतवर तो डिमन है तो इस मामले में फिर दिखाते हैं जो यूकेन रहता है वो अपने पावर जो अपनी फायर पावर रहते हैं ना उसको और ज़्यादा बढ़ा लेता है और कहता है क्या ये ठीक रहेगा कि आप मुझे मेरे ले विल फायरबॉल के लिए कुछ पॉइंट्स दें मेजेस्टी। डीमन लोड यूकेन को ऐसा देखकर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि उसके सिर के नंबर तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं और यहाँ पे कैसे ट्रक कह रही होती है क्या आपको याद नहीं आपने तीन साल पहले डीमन लोड को चुनौती दी थी और आपको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि आप पूरी तरह से लंगड़े लूले हो गए थे यू कैन कहता है हाँ ये सही है अगर ये कोई और समय होता तो मैं डिमोन लॉर्ड को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता हालांकि वह आज थोड़ा अजीब लगता है खासकर शराब के खिलाफ लड़ने के बाद उन्होंने अभी अभी इतना भयानक प्रदर्शन किया है यहाँ तक कि एक कदम वास्तव में काफ़ी भयानक था यह केवल जुड़वा देवताओं के आंसू से अभीष्ट ऊर्जा हो सकती है ऐसा कहा जाता है कि जुड़वा देवताओं के आंसू में अपार शक्ति होती है क्या डिमोन लॉर्ड इस आर्टिफैक्ट से प्रभावित हो रहे हो रहे हैं भले ही मैं डिमन लॉर्ड को नहीं हराऊं अगर मैं कम से कम उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाने में समक्ष हूँ सम, समक्ष हूँ तो डिमंड आर्मी में, में मेरी पोजीशन होगी ही और बिना चौकी मठाए कुछ भी नहीं मिलता मेजेस्टी यूकेन के आसपास दो डिमंड बैठे रहते हैं ना वो ये सुन के बोलते हैं प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर मेरे दिखाते हैं यूकेन को देखे जो डिमन लोड रहते ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे जो कैसे रहते हैं वो बोलते हैं यूकेन से तुम इतनी ज्यादा अपनी पावर का यूज़ मत करो और वैसे भी बेसटी के पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय नहीं है लॉर्ड कहता है कि ये सही कह रही है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय नहीं है और फिर वो सोचता है कि पहले मैं इसे डराने की कोशिश करूंगा फिर लॉर्ड एक स्कैरी लुक देते हुए कहता है कि अगर हर एक व्यक्ति मेरे पास गाइडेंस के लिए आएगा तो मैं पूरी तरीके से बिजली हो जाऊँगा और अगर तुम चाहते हो तो तो मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा तो एक बार फिर से सोच लो जल्दी करो और पहले ही यहाँ से चले जाओ फिर यू कैन एन लॉर्ड से कहता है कि मैंने इसके बारे में केयरफुली सोच लिया है डिमन रोड यह सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है यूकन की बस सुन के कैसे हंसते हुए डिमन रोड से कहती है मिनिस्ट्री अगर वो बुरी तरीके से मना ही चाहता है तो आप उसे पहले ही मार दें और ये सुन के जो डेमन रोड रहता है वो कहता है बंद करो पहले से ही आग की लपटों को हवा देना बंद करो फिर यूकेन को दिखाया जाता है जो तेज़ी से डिमन रोड की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और कहता है अब ये देखो लॉर्ड यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है तभी उसे एक्सटर्नल फ्लेम बोल दिया कि फ्रेम वेल डयर ऑन करो दिखाता है जो यूके है वो लॉर्ड के काफी ज़्यादा पास हो जाता है तभी दिखाया जाता है कि डीमल लॉर्ड ने अपना हाथ आगे करके एक कर हाथ में एक फॉर्मेशन खोली होती है फिर यहाँ पे एक धमाका दिखाया जाता है फिर में दिखाया जाता है जो डीमल लॉर्ड है उसने अपने फ्रेम वेरियर ऑन कर लिया होता है और जो यूकेन रहता है ना वो पीछे की तरफ जा रहा होता है और तभी वो खुद को संभालने के लिए अपने फाफाउर का यूज करता है और हवा में उड़ने लगता है और फ्लेम वेरियर इम्प्रेसिव फिर यूकिन हंसते हुए कहता है लेकिन मेरा सीरियल ब्लेड रियलिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, था उसके जरिए मैंने तुम्हारी शील्ड के बीच में छेद किया है दिखाता है डिमोलॉड को जिसके हाथ से खून आने लगता है और उसके जो शील्ड रहती है ना वो ब्रेक हो जाती है टूट जाती है और ये देखे कैसे ट्रक बहुत ज़्यादा हैरान रहती है और कहती है ये कैसे हो सकता है डिमोलॉड कहता है कि ये दर्द दे रहा है लेकिन स्लो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर कोई मुझे नीचा दिखाएगा अरे मैं इस रोल में कब इतना डूब गया लेकिन यूकिन बेगुनाओ को मारता है इसलिए वो पिटने के लायक है इंटरनल फ्लेम कुछ है जो मुझे आपको बताना चाहिए इंटरनल फिल्म कहती है कृपया अपने मन की बात कही मास्टर डेमोलोड कहता है सैराब के साथ लड़ाई के दौरान मुझे मानसिक रूप से चोट पहुंची थी और मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है इंटरनल फिल्म कहती है क्या कहा आपने डेमोलोड कहता है मुझे अपना कोई मैचिक याद नहीं है लेकिन मैं अब भी उसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ फिर बाद दिखाया जाता है डीमोलोड के सामने एक ब्लू सी लाइट चमकने लगती है फिर बाद दिखाया जाता है एक तारों वाला सीन आसमान में तार नजर आता है फिर यहाँ पे ये देखिए कि डिमोलोड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है फिर यहाँ पे अपन को पता चलता है कि ये डीमन लोड स्किल ट्री है और यहां पे जो इंटरनल फ्लेम वो डीमन लोड से कहती है बेशक आप कर सकते हैं आपका अपोनेट आपके लिए सिर्फ एक चीट ही है और यहीं पे अपना जो सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है और अगर आपको थर्ड एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो के लिए